availability of name, submission of MOA and AOA, and for other prescribed documents shall be filed to registrar. Matlab an application, matlab single, for availability of name, submission of MOA, AOA and for prescribed documents shall be filed to registrar. वैसे तो इसमें DIN भी अप्लाई हो जाता है, बट DIN हम पहले ले लेते हैं प्रैक्टिकली. DIN हम पहले लेके, मतलब वहां पे क्या था, नाम पहले अप्लाई हो रहा है, फिर अलग से फॉर्म. इसमें एक ही फॉर्म भरा जाएगा और इस फॉर्म के थ्रू पैन नंबर सीधा अप्लाई हो जाएगा. मतलब एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म में सब लगा दो. बस इसमें एक डाउट है, इसको हम फॉलो करने से पहले, अब जो नाम हम इसमें फिल करेंगे, इसमें एक ही नाम फिल होगा, सारे नाम इसमें फिल नहीं होंगे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां पे आपको थोड़ी संतुष्टि रखनी पड़ती है. जो नाम के साथ आपने अप्लाई कर दिया तो वो नाम नहीं मिला तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर दोबारा भरना पड़ेगा. जबकि उसमें क्या, पहले हमें नाम की संतुष्टि मिल जाती है, नाम तो आ गया, फॉर्म भरते रहेंगे बाद में. तो इसमें एक ही साथ होगा, वो नाम नहीं है रिजेक्ट होगा, फिर नाम दोबारा नया नाम सोचना पड़ेगा. तो ये तभी है जब अच्छी तरह इंटरनेट पे नाम सर्च कर लेते हो कि भी नाम अवेलेबल है, गूगल पे सर्च कर लिया, मिनिस्ट्री की साइट पे सर्च कर लिया, नाम अवेलेबल है और 100% मिल जाएगा, देन हम इसको प्रोसीड करते हैं. एक ही फॉर्म के अंदर फाइल करोगे, ठीक है. MOA एंड AOA आर फाइल्ड इन ई फॉर्म. पहले हम क्या करते थे, मेमोरेंडम आर्टिकल को ई फॉर्म में नहीं फाइल करते थे, उसकी पीडीएफ बना लेते थे और पीडीएफ बना के फाइल करते थे. इसमें ई फॉर्म में जाएगा, मेमोरेंडम आर्टिकल का एक फॉर्म होगा, उस मेन फॉर्म के अंदर ही, उसी में भरा, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, डिजिटल क्या होंगे, साइन होगा. जबकि पहले क्या था, पीडीएफ बनानी पड़ती थी, पीडीएफ बना के फिर हमें क्या करनी पड़ती थी, अटैच करनी पड़ती थी, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट, इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, then he shall issue this certificate of incorporation and SIN number is generated. और बच्चों, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है तो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, सिन नंबर क्या हो जाएगा, जनरेट, सिन नंबर इज जनरेटेड. जैसे उसमें था, इसमें भी नंबर आ जाएगा, ठीक है. और नंबर फिफ्थ पॉइंट, मैक्सिमम 3 चांसेस आर अलाउड फॉर submission of form. Once the form is rejected, then it shall be resubmitted within next 15 days and total time for resubmission is 1 month. अब देखो बच्चों, मैक्सिमम तो आपको 3 ही चांस मिलते हैं सबमिशन ऑफ फॉर्म के. एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आप 15 दिन में रीसबमिट करना होता है, और मैक्सिमम टाइम रीसबमिशन का टोटल मिला के कितना होता है, 1 month. बच्चों जैसे आपने एक बार फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ साफ नहीं है, डॉक्यूमेंट रह गया, तो वहां से रिजेक्शन आ जाएगी, दोबारा भरोगे, फिर एक और बार रिजेक्शन आ जाएगी, तीन बार के बाद दोबारा फीस सारी दोबारा भरनी पड़ेगी, फॉर्म वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. मतलब एक बार जो आपने फीस भरी पहली बार फॉर्म भरते समय, वो दो बार रिजेक्ट होगा और फिर भर हो सकता है. अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हो फॉर्म में, तो फॉर्म वहीं पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा.
और फिर वो दोबारा फीस मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो फॉर्म की वैलिडिटी है, ठीक है, ये नहीं कि इस फॉर्म की यही खासियत है इसकी वैलिडिटी है, लंबे वाले प्रोसीजर की एज सच वैलिडिटी नहीं है। इसमें आप ये नहीं कि मतलब आप परफेक्ट हो, परफेक्ट डाटा इज अवेलेबल यू, 3 टाइम सबमिशन का फॉर्म है, एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर एक बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार रिजेक्ट हुआ, लास्ट टाइम तक फाइल होगा, फिर दोबारा आपके पास चांस नहीं होके चलेगा। समझ आया पॉइंट सभी को? डन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई डाउट है एक बार आप पूछो, फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टॉपिक, बच्चों मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन। तो बच्चों अब हम क्लॉजेस पे आ रहे हैं कि हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और उसके हमारे पास क्या प्रोसीजर हैं अगर हम आर्टिकल्स को एक बार चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल, पहले मीनिंग आ रहा है, इट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट। लॉ ने तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है, देखो क्या आर्टिकल जो आपने पहली बार बनाए वो, और अगर आपने उसको ऑल्टर कर दिया तो वो आपके आर्टिकल है। अमेंडमेंट चेंज तो कर ही सकते हो, आर्टिकल्स को कुछ चेंज करना है, समथिंग न्यू नीड टू बी इंसर्ट, कुछ गलत चला गया, तो आर्टिकल का जो ओरिजिनल दिए थे या फिर जो चेंज वाले हैं वो बोले आर्टिकल। लॉ ने ये नहीं बताया, लॉ ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी है। वैसे इसका मीनिंग होता है इट मींस ऑब्लिक कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। बच्चों इसके अंदर क्या है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं कंपनी को चलाने के, ये आपको समझना है। आर्टिकल कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंपनी, मतलब रूल्स कौन से, जो लॉ के अंदर रूल्स हैं तो वही रूल्स इसके अंदर होते हैं। मतलब हमें लॉ के रूल्स एज इट इज अमेंड करने हैं। जैसे लॉ आपको याद होगा हमने वहां पढ़ा अपना जनरल मीटिंग के चैप्टर में कि कॉरम जो होती है ना, कॉरम वो मिनिमम इतने नंबर की होती है और आर्टिकल में प्रिस्क्राइब द हायर कॉरम। तो लॉ मेकर ने चांस दिया, आप चाहे तो हायर कॉरम भी डिसाइड कर सकते हो, पढ़ो जनरल मीटिंग में पढ़ा उन्हें। तो कई जगह आर्टिकल बोलता है कि जो लॉ ने बोला है, लॉ कई बार ये बोलता है जो हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा भी आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, और कई जगह नहीं लिखा ऐसा तो जो लॉ ने बोला वही। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो लॉ के अंदर रूल्स लिखे हैं उसको एज इट इज आर्टिकल में डाल देती हैं, और जहां पे लॉ ने अलाउ किया चेंज करना जैसे कॉरम में हायर नंबर, तो वहां पे कंपनी चेंज करके उसको एडिट भी कर सकती है। तो कंपनी लॉ के जो रूल्स हैं वो कंपनी उसको अडॉप्ट करती है, ये एक्नॉलेज करती है कि हम इसको मान के चलेंगे, और वो रूल्स लिखे जाते हैं कहां पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। समझ आया पॉइंट सभी को, ये क्या होता है। फिर हमारे पास अब बच्चों फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स बच्चों टेबल एफ जी एच आई और जे, ये किसके हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, एससी मतलब शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की अंदर गारंटी है और साथ में शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर नंबर एच, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल,
और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। बच्चों ये फॉर्मेट है, अगर आप लॉ के अंदर ना सात शेड्यूल है बच्चों, सेवन शेड्यूल है पूरे कंपनीज एक्ट में, सात शेड्यूल है। अगर आप पहला शेड्यूल खोलोगे ना, पहला शेड्यूल उसमें फॉर्मेट्स मिलेंगे। शेड्यूल वन के अंदर आपको फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब जैसी कंपनी बना रहे हो, लिमिटेड अनलिमिटेड गारंटी नॉन गारंटी जैसे भी, उसका बना बनाया फॉर्मेट है, उसको हम वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं वर्ड की फाइल में, ठीक है बच्चों। और करने के बाद जो जहां चेंज करना होता कर लेते हैं, कंपनी का नाम डालते हैं, एक आधा कॉलम फिल करना होता है, लो जी आपके आर्टिकल्स बन गए। तो प्रैक्टिकली आर्टिकल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मेनली टेबल एफ है, देश में ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, तो टेबल एफ जो आपके पास है ना वो लिमिटेड बाय आपके नॉलेज के लिए वो शेयर्स का है, तो टेबल एफ में फॉर्मेट गिवन आर्टिकल्स का उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं। फिर आ रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। अब मॉडल आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये जो फॉर्मेट है मॉडल आर्टिकल्स हैं, टेबल एफ टेबल जी टेबल एच आई जे मॉडल बना बनाया मॉडल है, ठीक है। अब इसके कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। इफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इट देन सच मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल अप्लाई टू द कंपनी। बच्चों वैसे तो कंपनी मॉडल आर्टिकल्स के कोई प्रोविजन हटा भी सकती है, जहां लॉ ने बोला वहां तो हटा ही सकते हो। जैसे बहुत जगह ऐसा लिखा होगा, फाइनल में पढ़ोगे लॉ में, आर्टिकल में प्रोवाइड एज पर द नेचर ऑफ कंपनी, तो अगर वो नहीं डालना चाहते मत डालो। तो कई जगह कई क्लॉज लॉ में ऑप्शनल होते हैं, तो आप चाहो तो उसको अपने मॉडल आर्टिकल से हटा सकते हो, पर हटाने के लिए आपको अपने आर्टिकल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने आर्टिकल्स में से कोई पॉइंट नहीं हटाया तो फिर एज इज टेबल एफ आपके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो नहीं हटाओगे तो एज इज एप्लीकेबल होगा, हटाओगे तो हट जाएगा, जहां पे भी अलाउड है परमिशन आपके पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट न्यू कंपनीज एक नया सिस्टम लेके आया, प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट मतलब मोर स्ट्रिक्ट। आर्टिकल मे कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोविजंस of article of association can be altered only by complying procedures as more restrictive than those as are applicable in case of ESA। अभी समझाता हूं, मेरी आर्टिकल मे कंटेन अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट दैट इज सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ एमओए
that can be altered only by complying procedures as more restrictive than those are applicable in case of kya SR, जो SR के केस में होगा। बच्चों लॉ बड़ा क्लियर है आपके नॉलेज के लिए। लॉ कहना आपको ये चाहता है कि आर्टिकल्स में ना आप आर्टिकल्स को और स्ट्रिक्ट बना सकते हो, जो लॉ ने बोला उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकते हो। मतलब क्या हुआ, यहां पे हमारे पास ये लिखा सबने। अब बच्चों मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर एलिब्रेट करता हूं लॉ को। एग्जाम्पल है नेम, नेम कैन बी चेंज ऑफ अ कंपनी By passing SR, SR मतलब 75% और मोर। कंपनी का नाम चेंज हो सकता है SR पास करके। अच्छा कंपनी का नाम चेंज हो सकता है SR पास करके, कोई डाउट इसमें? अब बच्चों आर्टिकल कैन कंटेन अ प्रोविजन टू चेंज द नेम of a company with 80%, 90% और 100% फेवर लेके। इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, मतलब मोर स्ट्रिक्ट, और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना। जैसे कंपनी लॉ ने बोला कि ये काम एसआर से पास हो जाएगा, आप ये कह सकते हो इस काम में हमारी कंपनी में 75% नहीं 80% फेवर चाहिए, 90% चाहिए, तो आर्टिकल को और ज्यादा आप स्ट्रिक्ट बना सकते हो, जो एसआर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। समझ आया पॉइंट? तो आपको लगता है ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस काम के लिए आप 90% फेवर रख दो, 75 क्यों रखते हो, आर्टिकल में रख दो, आर्टिकल बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम तो कर नहीं सकते, लॉ का तो कोई एग्रीमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता, बढ़ा सकते हो। समझ आया पॉइंट? तो मोर स्पेसिफाइड प्रोसीजर विच आर मोर स्ट्रिक्ट देन एसआर, ठीक है। और यहां पे प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट मे बी मेड, आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन दे सकते हो एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स विथ कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और बाय अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग एसआर इन केस ऑफ देखो आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन डाल सकते हो जिस समय कंपनी बनाई उस समय, बाद में भी डाल सकते हो। प्राइवेट कंपनी को सभी की कंसेंट चाहिए, पब्लिक कंपनी में क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, अगर आर्टिकल को स्टिक बनाना चाहते हो और। तो और नोटिस टू रजिस्ट्रार शैल बी मेड। और बच्चों आरओसी को एक कॉपी तो देनी पड़ेगी कि भाई हमने आर्टिकल में चेंज किया जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। बच्चों आप जल्दी बताओ मुझे आर्टिकल का मतलब रूल्स और क्या लिखे होते हैं, रेगुलेशन फॉर्मेट है, टेबल एज इट इज अडॉप्ट कर लो, कुछ हटाना चाहो हटा लो, जान लॉ में है, नहीं हटाओगे तो एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। मोस्ट स्ट्रिक्ट बना सकते हो, बना सकते हो, कि कब बना सकते हो, जब कंपनी क्रिएट कर दी उस समय आर्टिकल को मोस्ट स्ट्रिक्ट बना लो, बाद में पब्लिक में फिर एसआर पास कर लो, प्राइवेट में 100% मेंबर्स की क्या ले लो, कंसेंट ले लो, आर्टिकल क्या हो जाएंगे चेंज। और बोली अच्छा है कि नहीं, बोली यस और नो। बच्चों जैसे ना हम कई बार सीबीडी में आपको बोलते थे, वैसे वहां पे तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, पर हम क्लास टेस्ट में 0.5 की करते हैं, तो मोर स्टिक कर दी हमने चेकिंग, ठीक है ना, तो वी कैन डू, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आया पॉइंट सभी को? अब बच्चों नेक्स्ट आ रहा है
प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 14। बच्चों ये आपको समझना है, मेमोरेंडम के अंदर ना 7 क्लॉज होते हैं। हम कोशिश ये करेंगे अगली क्लास में अगर 3 क्लॉज हो जाते हैं और संडे को मुझे मिलता है टाइम मॉर्निंग में, तो हम उसको यूटिलाइज करके हम संडे की मॉर्निंग क्लास में एक चैप्टर ओवर कर देंगे। लेकिन मेमोरेंडम में 6 क्लॉज हैं, पहले तो 6 क्लॉज समझने पड़ेंगे, फिर उनको चेंज करने का प्रोसेस समझना पड़ा। आर्टिकल में कोई क्लॉज क्लूज नहीं है, रूल्स हैं। और वो कौन से रूल्स हैं जो आप सभी चैप्टर में पढ़ रहे हो? एनुअल रिटर्न के रूल्स, डिविडेंड के रूल्स, ऑडिटर के रूल्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के रूल्स, वो सभी इसके अंदर लिखे हुए हैं। पर पूरे लॉ में जो पढ़ोगे वही आर्टिकल्स के अंदर रूल्स होते हैं आपकी, तो इसमें क्लॉजेस नहीं होते कुछ भी, तो इसमें कुछ है ही नहीं ऑल्टरेशन में। सिंपल सा प्रोसीजर एस सर पास करना है, क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन मेमोरेंडम में पहले 7 चीजें समझनी पड़ेंगी, 6 चीजें, फिर उनके अंदर ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी हर एक की, तो वहां लंबा प्रोसीजर है, वो एक लंबा काम है, इसमें ऐसा कोई लंबी बात नहीं है। अब बच्चों यहां पे ऑल्टरेशन के बारे में, नंबर 1, एवरी ऑल्टरेशन शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन एक्ट एंड इन मेमोरेंडम। सबसे पहले लॉ ने आपको कहा भैया मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आर्टिकल मेमोरेंडम में लड़ाई होती है तो मेमोरेंडम जीतेगा, मेमोरेंडम बड़ा है, तो मेमोरेंडम से बाहर नहीं जाओगे कोई चेंज करने के लिए, और लॉ के प्रोविजंस को भी क्या करोगे? कंप्लाई करोगे जब ऑल्टरेशन करोगे। नंबर 2 पॉइंट, एसआर इज रिक्वायर्ड इन जीएम फॉर अमेंडमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको एसआर चाहिए जब आप आर्टिकल को चेंज करोगे, सिंपल एसआर पास करना है। एसआर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन फॉर पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा। सेम पॉइंट है, वैसे मैंने दोबारा लिख दिया, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करोगे तो भी आर्टिकल चेंज होंगे, तो भी एसआर पास करना होगा। और कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी ऑल्सो रिक्वायर अ ट्रिब्यूनल अप्रूवल। अगर आपने पब्लिक को प्राइवेट में करना है, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होगी, और फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार अलोंग विद ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एओए एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर इफ एनी, और कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा। तो बच्चों लॉ बड़ा क्लियर है। देखो अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म से समझे, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा, सिर्फ आपको एसआर पास करना है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं किसको? मिनिस्ट्री को, कॉमन पॉइंट है। अगर आप पब्लिक प्राइवेट में होगा तो भी एसआर करना है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ट्रिब्यूनल, पब्लिक प्राइवेट में होगी तो ट्रिब्यूनल की परमिशन भी आपको चाहिए। तो कहने का मतलब पता क्या है, 3 सिचुएशन आ गई इसके अंदर। वैसे एसआर पास करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, दूसरा अगर पब्लिक प्राइवेट को पब्लिक में करोगे तो भी एसआर पास करना है, डॉक्यूमेंट पब्लिक को प्राइवेट में करोगे एसआर पास करना है, और ट्रिब्यूनल की क्या लेनी है? अप्रूवल लेनी है, और डॉक्यूमेंट तो फाइल करने ही करने हैं मिनिस्ट्री को, सभी केसेस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट तो फाइल करने ही करने हैं।
तो ये सारे केस के लिख दिए, कुछ भी नहीं करना है, एसआर पास करना है, डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, अप्रूव हो जाएगा तो ऑल्टरेशन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। समझ आया पॉइंट सभी को? तो आज देश में आर्टिकल चेंज करना है, यू नीड टू पास स्पेशल रूल। 75% मेंबर से पूछ लो जिनकी कंपनी है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, कर दो फाइल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डन है, पॉइंट क्लियर है। सो अभी इतना ही करते हैं इसमें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो आज जाके प्लीज इसको पढ़ो आप, हमने आज आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल के टेबल पढ़ा, एंट्रेंचमेंट पढ़ा, उसका ऑल्टरेशन पढ़ी, और साथ में हमने जो टॉपिक पढ़ा आज की क्लास के अंदर बच्चों, हमने प्रमोटर्स का टॉपिक पढ़ा और प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लॉन्ग और शॉर्ट, और गलत इन्फॉर्मेशन देके कंपनी बनाओगे तो आपके खिलाफ क्या एक्शन होगा और ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर